सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है यार आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं हमारे रिसेंटली लॉन्च यहाँ पे पैनासोनिक के एसी के 2023 मॉडल्स के बारे में। और इस वीडियो में यहाँ पे बात करें कि हमारे को इस साल यहाँ पे क्या चीजें नई और बेटर देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती। और इस वीडियो के बाद यहाँ पे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको यहाँ पे ये वाला एसी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर हमारा 2023 में कौन से वाला आपका मॉडल बढ़िया रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हमारे एसी के आईसीआर रेटिंग के बारे में। सो यहाँ पे आपको 5.1 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये बनता है कि आपका इस साल से हमारा 5 स्टार रेटिंग में काउंट होगा, इसलिए हमारा 5 स्टार है। सो ये हमारी अंडरस्टूड सी बात है। वहीं पे बात करें जो हमारे को लास्ट ईयर में यहाँ पे आईसीआर रेटिंग देखने को मिलती थी, वो मिलती थी हमको यहाँ पे 4.6 की रेटिंग देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे इस साल यहाँ पे पैनासोनिक पहली बार यहाँ पे आईसीआर रेटिंग को बढ़ाया और यहाँ पे हमारा 5 स्टार की रेटिंग में काउंट होता है। और यहाँ पे जो हमें बढ़िया चीज देखने को मिलती है, जो आपको यहाँ पे एलजी के एसी में जो हमारे 2023 के मॉडल्स है उसमें देखने को मिलता है, उसमें भी हमारे 5 स्टार रेटिंग में आता है। बट ये क्या है कि डिफरेंस जो हमारा एलजी का एसी है उसमें जो हमारी कूलिंग कैपेसिटी थी हमारी वो उसको कम कर दी गई है और यहाँ पे हमारा वो आईसीआर रेटिंग बढ़ चुका है। बट यहाँ पे पैनासोनिक ने क्या किया कि हमारी कूलिंग कैपेसिटी को कम नहीं किया और हमारी जो आईसीआर रेटिंग है वो भी यहाँ पे हमारी 5 स्टार रेटिंग में काउंट हुई है 2023 मॉडल में। सो ये यहाँ पे मुझे पैनासोनिक की काफी बढ़िया चीज लगी है। आगे यहाँ पे हम बात करें कूलिंग कैपेसिटी की हमारे एसी के बारे में। सो यहाँ पे आपको 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये बनता है कि आपको 10H में आपको 1.43 टन तक की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया है। वहीं पे हम बात करें किस रूम साइज के लिए यहाँ पे बढ़िया और सुटेबल होने वाला। सो हमारे अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए हमारा सुटेबल होने वाला, आपको आराम से उसमें बढ़िया कूलिंग देखने को मिल जाएगी इस एसी के साथ। आगे यहाँ पे बात करें इसके कंप्रेसर की। सो हमारा लास्ट ईयर भी हमारा ट्विन रोटेटरी कंप्रेसर था, सो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और काफी ज्यादा ये एफिशिएंट भी रहता है। वहीं पे बात करें जो हमारा चेंज है, यहाँ पे आपको इसमें इस कन्वर्टिबल मोड देखने को मिल जाता है और 7:1 मतलब 60 डिफरेंट कन्वर्टिबल मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि हमारा ये जो लास्ट ईयर ये चीज देखने को नहीं मिलती थी। सो लोगों को यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कमी देखने को मिलती थी एसी में, बट इस साल यहाँ पे पैनासोनिक ने ये चीज फुलफिल कर दी है। और गाइस इसमें साथ में आपको यहाँ पे एआई मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें ये होता है कि ये आपको यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड करता है कि आपकी जो रूम की कूलिंग है वो कंटिन्यूअस और एक सस्टेन लेवल पे बनी रहे, कितने लोग हैं कितना टेम्परेचर उसके हिसाब से अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट करता रहता है। और यहाँ पे आपको कोई भी इसके बाद बटन दबाने की जरूरत नहीं, कोई भी टेम्परेचर सेट करने की जरूरत नहीं, अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजों को जानते हुए यहाँ पे आपको एक सस्टेनेबल कूलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और गाइस इसमें एसी में आपको यहाँ पे 4-way स्विंग का फीचर देखने को मिल जाता है। और गाइस इसमें 8-32 गैस देखने को मिल जाती है, जो कि हमारी एनवायरमेंट फ्रेंडली इको फ्रेंडली गैस है। सो ये भी बढ़िया चीज है जो हमारी लास्ट ईयर भी आती थी, सो यही चीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पे 52 एम्बिएंट टेम्परेचर तक की वर्किंग देखने को मिल जाती है, मतलब 52 डिग्री सेल्सियस तक ये हमारा काफी आराम से कूलिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे इंडिया में नहीं जाता, मैक्सिमम 49 और 50 वो भी कुछ कुछ लोकेशन पे, जहाँ पे हमारा पीक यहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर जाता उस लोकेशन की बात मैं बता रहा हूँ। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया, आप यहाँ पे आराम से इसको गर्मी में यूज कर पाएंगे, आपको यहाँ पे बढ़िया कूलिंग देखने को मिलेगी। और गाइस इसमें आपको लो नॉइज ऑपरेशन देखने को मिलता है, मतलब आपको रात में सोते हुए इतने ज्यादा नॉइज का इशू नहीं होगा। सो ये भी बढ़िया चीज है क्योंकि हमारा ज्यादातर जो एसी है वो हमारा रात में यूज होता है, ज्यादा चलता है। सो ये चीज बढ़िया है कि आपको यहाँ पे एक बढ़िया स्लीप भी देखने को मिल जाएगी। आगे यहाँ पे बात करें, इसमें आपको 100% कॉपर कंडेंसर के साथ साथ 100% कॉपर ट्यूब देखने को मिलती है, और उसके ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है हमारी ब्लू शील्ड कोटिंग की यहाँ पे प्रोटेक्शन। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया, और यहाँ पे जो हमारे लीकेज वगैरह के चांसेस होते हैं उसको यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करता है और काफी बढ़िया यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। और गाइस इसी में आपको यहाँ पे कस्टम स्लीप प्रोफाइल देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट पीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टम स्लीपिंग प्रोफाइल लगा सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी यहाँ पे जो भी डायरेक्शन देने की इतने बजे इतना टेम्परेचर रहे या इतना कम हो, या आप कुछ ज्यादा करना चाहते कम करना चाहते इतने बजे इतने घंटे, सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे इस पे सेट कर सकते हैं। और गाइस इसमें ये एक चीज बढ़िया, यहाँ पे अपग्रेड करी गई है जो हमारा फिल्ट्रेशन था। सो इस बार यहाँ पे आपको PM 0.1 फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से जो हमारी एयर प्यूरिफिकेशन है वो और थोड़ी ज्यादा इन्हांस हो जाती है हमारे पिछले साल के मुकाबले। और गाइस इसी में आपको यहाँ पे सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम देखने को मिल जाता है,
और साथ के साथ आपको इसमें लो गैस डिटेक्शन का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे अभी ओवरऑल इसके पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हमारे एसी के ऊपर, जो हमारे जो 2023 वाला एसी मॉडल है, सो उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो हमारा जो एलजी एसी था हमारे 2022 वाला और 2022 वाला हमारा पैनासोनिक एसी का मॉडल, सो मैंने जैसे ही बताया कि आपको इसमें कन्वर्टेबल मोड्स देखने को नहीं मिलते थे हमारे पैनासोनिक के 2022 मॉडल में, बट इस साल यहाँ पे हमारा 2023 मॉडल में ये चीज इंक्लूड कर दी गई। और ओवरऑल मुझे ये लगता है यहाँ पे हमारा जो इस साल है पैनासोनिक 2023 मॉडल यहाँ पे हमारा ओवर पावर करने वाला जो हमारे एलजी के एसी अभी तक के यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, और जिसको देख के मुझे लगता है कि जल्द ही एलजी यहाँ पे हमारे और भी 2023 के मॉडल यहाँ पे लॉन्च करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली पैनासोनिक यहाँ पे ओवर पावर कर रहा है अभी तक यहाँ पे जो हमारे न्यू मॉडल्स है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा एलजी भी नए मॉडल्स निकालेगा और अपनी कूलिंग कैपेसिटी को और यहाँ पे जो कमियां रह रही है यहाँ पे 2023 मॉडल्स है उसको यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे नए मॉडल्स निकालेगा और फिर यहाँ पे कंपटीशन में उतरेगा। नहीं तो अभी तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो पैनासोनिक के न्यू एसीज है वो काफी आराम से हमारे एलजी एसीज को यहाँ पे ओवर पावर कर रहे हैं। तो गाइस ये था हमारी वीडियो में, और जो मैंने यहाँ पे सारे आपको जो एसी है हमारे पैनासोनिक के 2023 मॉडल के लिंक्स मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे वो हमारे नॉर्मल एसी हो या फिर हमारे जो नैनोई एक्स या नैनोई जी वाले मॉडल होते हैं जिसमें हमको और ज्यादा बढ़िया यहाँ पे प्यूरिफिकेशन एयर प्यूरिफिकेशन देखने को मिलती है उनके लिए यहाँ पे ले जाता है। सो आपको और ज्यादा वो चीजें चाहिए, आपको ज्यादा बढ़िया एयर प्यूरिफिकेशन चाहिए, थोड़ी एक्स्ट्रा प्राइसिंग से 3-4 हजार रुपए के प्राइसिंग का डिफरेंस होता है, सो थोड़ी एक्स्ट्रा प्राइसिंग में आपको और ज्यादा बढ़िया एयर प्यूरिफिकेशन भी देखने को मिल जाती है अपने एसी के साथ के साथ। तो गाइस सभी जो हमारे न्यू मॉडल्स के एसी उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे सुटेबल लगता है आपके लिए यहाँ पे बढ़िया लगता है आपके बजट में लगता है आप वो ले सकते हैं। सो गाइस यही था बस हमारी आज की वीडियो में, आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।